उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस ने दूध के टैंकर की चोरी के मामले में मात्र 48 घंटे में खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने जहां दूध से भरा टैंकर बरामद कर लिया है तो वहीं चोरी से संबंधित 3 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में 48 घंटे पूर्व कुछ अज्ञात चोरों द्वारा एक दूध से भरे टैंकर को जहां चोरी कर लिया गया था तो वहीं एक कार का शीशा तोड़कर कार में रखे 1,40,000 भी चोरी कर लिए गए थे, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन कर मुखबिर की सूचना पर सुबह करीब 5:30 बजे उदयनगर नहर के पास से जहां दूध के कैंटर संख्या UP 17T 9918 को दूध से भरा हुआ मात्र 48 घंटे में बरामद कर 3 अभियुक्त अभिषेक, प्रदीप एवं अंकुर को गिरफ्तार कर लिया तो वही कार से चोरी किए गए 1,40,000 में से 1,23,000 बरामद करते हुए 2 चोरी के आरोपी आदिल आफताब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों चोरियों के आरोपी बेरोजगार होने के चलते अत्यधिक पैसा कम समय में अर्जित कर अपने बड़े खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से चोरी करने का कार्य करने में लगे होने की बात अभी तक सामने आई है। आरोपियों से अभी और गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर इनके द्वारा अभी तक की गई घटनाओं के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। थाना बाबूगढ़ की पुलिस जो वहाँ के इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह हैं, उनकी टीम द्वारा 2 चोरियों का खुलासा किया गया है। एक चोरी 6 तारीख की हुई थी, कार का शीशा तोड़ करके 1,40,000 रुपया चोरी हुआ था। दूसरी चोरी कुचेश्वर चोपला से 7 तारीख की हुई थी, जिसमें दूध का एक कैंटर था वो चोरी किया गया था। दोनों चोरियों को मात्र 48 घंटे के अंदर इनकी टीम द्वारा खोला गया है और साथ ही साथ इसमें 100% माल की बरामदगी हुई है। दूध का कैंटर बरामद हुआ है, इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1,23,000 रुपया दूसरी चोरी का बरामद हुआ है, उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनकी टीम ने मात्र 48 घंटे में दोनों केसेस का खुलासा किया है, इन्हें पुरस्कृत भी कराया जाएगा। और चोरों का क्या आपराधिक इतिहास है इसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है इससे पूर्व इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।